हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज अपन लोग बात करेंगे बेसिक मशीन के बारे में। जो आप लोगों को मशीन पढ़ना है, मशीन को पढ़ाने से पहले उसका कुछ बेसिक है वो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही आप लोग को मशीन के बारे में पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना लेट किए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या और मशीन, पहले मशीन आता, मशीन को किस तरह से हम समझे, मशीन को समझने से पहले किस तरह से उसका हम कैसे मशीन आया उसका कुछ बेसिक है। जैसे सबसे पहले हम लोग आए थे, क्या नाम आए थे, ओरेस्टेड साहब आए थे। ओरेस्टेड साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था। कौन आए थे? ओरेस्टेड साहब आए थे, उसने एक प्रिंसिपल दिया। वो प्रिंसिपल क्या था? According to Oersted, a current carrying conductor always creates a magnetic field around it whose direction is given by right hand rule. तो right hand rule मेरा क्या कहता है कि Oersted साहब कहते हैं जो भी करंट आता है या जो भी है वो कंडक्टर में जो पास होता है उसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उसका डायरेक्शन होता है किससे, राइट हैंड रूल से। तो आप यहाँ से फिगर से समझिए, यहाँ से ये आप मान लीजिए कि कोई मैग्नेट है, तो इसमें अगर आप क्वाइलिंग के मतलब बाइंडिंग किए तो ये जो करंट आएगा, इसमें जो करंट फ्लो हो, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इस फ्लक्स बनाएगा। तो वही कहते थे वो किस डायरेक्शन में जाता है, तो राइट हैंड रूल से बताए थे जो अंदर की ओर जाता है वो हुआ, राइट हैंड लोग आएगा तो अंदर की ओर जाने वाला वो आपका करंट होगा और बाहर की ओर आने वाला वो आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो अंदर अंदर की ओर मतलब अंदर की ओर जाने के लिए क्रॉस से हम डिनोटेड करते हैं और बाहर के लिए आने के लिए हम डॉट से डिनोटेड करते हैं। जैसा कि आप ये फिगर देखिए, जब ये फिगर देखिएगा तो आप इसमें राइट हैंड रूल लगाइएगा तो अंदर की ओर जा रहा है करंट जो है मूव कर रहा है, और जब इसमें लगाइएगा करंट का इसमें जब डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा तो ये बाहर की ओर आएगा। इसके बाद आता है फ्राइडे लॉ, आए मतलब फ्राइडे बाबूजी आ गए। तो फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट के अंदर अगर हम कोई सप्लाई या कोई टर्न्स को लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वह उससे लिंक कर जाएगा, मतलब लीकेज फ्लक्स होता है। वही कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन लिंक विथ चेंजिंग इन द फ्लक्स। मतलब कहे अगर आप फ्राइडे बाबा जब आए तो वो बोले अगर कोई मैग्नेट को अगर हम किसी चार्ज बॉडी के थ्रू के बलग में रखेंगे या तो बगल में रखेंगे तो वो जो है फ्लक्स बनाना स्टार्ट कर देता है, वही लिंकेज फ्लक्स और वह ईएमएफ प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करता है। उसके बाद फ्राइडे बाबा भी चल बसे। इसके बाद फिर आग यहाँ से फ्राइडे बाबा के बाद देखिए थ्योरी कैसे है, तो वही कहता है जो वही यहाँ साइज जो है वह फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज नंबर ऑफ एन हुआ नंबर ऑफ टर्न्स और फाइव फ्लक्स पर पोल हुआ। तो वही ये आप ये आयत कह दिए क्या, वोल्टेज इंड्यूस होता है कोई भी अगर मैग्नेट बॉडी है उसके बगल में अगर हम करंट कंडक्टिंग का कोई क्वाइल रखेंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो क्या आएगा, ईएमएफ एन डी फाई अपॉन डी टी। ये एनर्जी का यहाँ पे कोई भी एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हुआ होगा। इसमें ये और एक चीज़ और ये बताए थे कंडक्टर, तो हम जब को मशीन में तो दो चीज़ पार्ट होता है, एक रोटेटिंग और एक स्टैटिक, मतलब एक रोटेटिंग पार्ट एगो होता है स्टैटिक पार्ट। तो स्टैटिक और रोटेटिक तो कब और क्या होगा, स्टैटिक या फिर क्या होगा, तो कंडक्टर को जब हम स्टेशनरी मतलब स्थिर रखेंगे, मैग्नेट को मूव कराएंगे तो वो मेरा क्या होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब जब कंडक्टर को मूव कराएंगे और मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे तो वह मेरा क्या आ जाएगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा।
उसके बाद ये चल बजा, उसके बाद आए लेंज लॉ। तो वो क्या, ये क्या बताए कि जो भी, अगर जो अगर हम किसी मैग्नेट को अगर करंट के कंडक्टिंग मटेरियल के पास रखेंगे तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या जो फ्लक्स बनेगा उसका वो खुद अपोज करेगा, करंट जो करंट बनेगा उसका वो खुद अपोज करेगा। ये कौन बताए? लेंज बाबा। यहाँ पे जो आपका ये जो थोड़ी था आप लोग पढ़ते होंगे माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, ये यहाँ से सिद्ध होता है, ठीक है। तो यही कहते हैं लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ रिजल्ट अपोजिट इट कॉजेज फॉर कैन से विदाउट एनी अपोजिशन नो एनर्जी कन्वर्जन। मतलब कह दिया अगर कहीं पे अपोजिशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम एनर्जी का क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। वही देखिए, यही यहाँ इसमें देखिए, ये आपका मैग्नेट है, मैग्नेट में सोर्स नॉर्थ होता है, ये आपका हो गया क्वाइल। इसमें जब आप एक करंट को सप्लाई दिए तो ये बगल में रखे तो ये देखिए क्या हो गया, फ्लक्स लीकेज हो गया। यहाँ पे ये फ्लक्स लीकेज कर लिए। अब कहता है जो ये फ्लक्स लीकेज किया खुद अपने आप का अपोज करेगा, ईएमएफ का खुद अपोज करेगा। वो कैसे करेगा देखिए, वो करेगा पहले फ्लक्स आप कर दिए, उसके इस बॉडी को आप ले गए मैग्नेट के पास, करंट कनेक्टिंग बॉडी को ले गए, वह लिंक कर दिया, फ्लक्स लीकेज कर दिया। जब फ्लक्स लीकेज हो गया तो फिर क्या कर दिया, करंट बना दिया। जब करंट वो बन गया तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर क्या किया, फ्लक्स बना दिया। तो ये दोनों मतलब ये फ्लक्स ये प्लस क्या कर दिया, दोनों को अपोज क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। पहले हम सप्लाई दिए करंट के थ्रू, करंट दिए कॉइल में, उसके बाद हम ले गए मैग्नेट के पास। जब मैग्नेट के पास ले गए तो ये फ्लक्स बन गया वहाँ पे, जब फ्लक्स आ गया तो फिर करंट बन गया, जब करंट बन गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर क्रिएट कर दिया। अब फिर जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बना तो फिर इसको वोल्टेज मिल गया ना, तो जब फिर इसको वोल्टेज मिल गया तो ये फ्लक्स बन गया। तो ये फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो वही कहा फ्राइडे ला, नो एनर्जी कन्वर्जन, मतलब नो अपोजेज नो एनर्जी कन्वर्जन। अगर कहीं अपोजिशन नहीं है तो वहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ से फिर देखिए, वही यहाँ पे जो E बराबर आप लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी पढ़ते हैं, यही आपका क्या हो जाता है, अपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये अपोजिशन आएगा तब क्या होगा, एनर्जी का कन्वर्जन होगा। ये है पावर, पावर आउटपुट ई इंड्यूस्ड ईएमएफ, आई हो गया करंट। यही आप नोट में थोड़ा देख लीजिए, ये आपका क्वाइल है नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होगा, ये वोल्टेज सप्लाई दिए, ये आपका क्या था, फ्लक्स लिंकेज था, डायरेक्ट फ्लक्स लिंक किससे कर गया था, डायरेक्ट करंट से। अब फ्लक्स लिंकेज बराबर हम लोग जानते हैं का एन आई, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो यहाँ एन फाइव, अब फिर आई जो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है, एल आएगा जिसको हम कह देंगे का इंडक्टेंस। तो यहाँ से आ जाएगा इंडक्टेंस बराबर एन फाइव अपॉन आई, यहाँ एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, फाइव हो जाएगा फ्लक्स, आई हो जाएगा करंट, समझे। तो एल बराबर मतलब इंडक्टेंस बराबर एन फाइव अपॉन आई, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स अपॉन करंट। ये हेनरी जो है, ये इंडक्टेंस का क्या होता है, यूनिट होता है। अगर इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इन विच द फॉलोइंग वेव फॉर्म नो ई एम एफ इंड्यूस, इसमें से कौन सा है जो ई एम एफ को इंड्यूस नहीं कर रहा है। तो क्या बताते थे फ्राइडे बाबा, कि अगर कहीं अपोजिशन नहीं हो रहा है बबुआ तो वहाँ का जो है कोई एनर्जी कन्वर्जन नहीं होगा। तो ये ग्राफ क्या है, सीधा है एकदम, ये इसमें कहीं तो वेरिएशन है ये ना है। तो मतलब अगर वेरिएशन नहीं है तो यहाँ पे जो होगा एनर्जी का कन्वर्जन नहीं हो सकता है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ देखिए टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब वेरी कर रहा है, मतलब ये अपोजिशन है। यहाँ देखिए चेंज हो गया, फिर आने के बाद यहाँ चेंज हो गया, इसमें भी चेंज हो रहा है। आप यहाँ से समझिए ई एन डी फाइव अपॉन डी टी, जब डी फाइव अपॉन डी टी जीरो तब क्या हो गया, फाइव कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट होगा तो ये आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जहाँ कोई भी क्लोज पाथ है वो तो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। तो वही लिखे हैं, एक क्लोज पाथ फॉलो बाय करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कोई भी है क्लोज पाथ है, लो सर्किट बना दिए, ये है यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दो, ये क्लोज हो गया ना, ये हो गया सर्किट, इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है।
सर यहाँ देखो, ये आप ले लो इलेक्ट्रिकल का, ये एक कोई कंडक्टर है, तो मान लो ये कॉपर कंडक्टर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल है तो वहाँ हीट होगा ही, तो हीट होगा। इसी को आप अगर ये हुआ इलेक्ट्रो, यहाँ पे इलेक्ट्रो ये ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ जो आ रहा है ये आर क्या करेगा, अपोजिशन करेगा, किसका करेगा, करंटवा का करेगा, क्या करेगा, करंट का अपोजिशन करेगा, ठीक है। जो है ओम्स लॉ यह कहता है कि एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अपोजेज इन करंट, जो है करंट का रेजिस्टेंस अपोज करेगा, तो ओम्स लॉ कहता है ना। अब आता है मैग्नेटिक सर्किट, क्या कौन सा, मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट जो होता है सेम होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का उल्टा, ठीक है। ए क्लोज पार्ट फॉलो बाय फ्लक्स इज नोन एज ए मैग्नेटिक सर्किट। मान लीजिए ट्रांसफार्मर बनाते हो, इस तरह का कोर लेते हो ना, एक कोर, ठीक है। नहीं तो समझो ये ट्रांसफार्मर का ऐसा मान लो एक कोर ले लिया, कोई भी एक बॉडी ले लिए, ठीक है। जब ये बॉडी लेंगे तो ये हो गया, इसमें हम देंगे सप्लाई, मान लो हम भी वोल्टेज दिए, मतलब यहाँ पे ई लिखे, मान लो ई इंड्यूस्ड, ई वोल्टेज दिए हैं किसमें, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स को हम क्या कर दिए हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स से वाइंडिंग कर दिए हैं कॉइल का, ठीक है। तो इसमें जो होगा क्या होगा, जब ये हम सप्लाई देंगे, तो बताए थे फ्राइडे बाबा, कोई भी अगर मैग्नेट के पास अगर हम सप्लाई, अगर कोई भी कंडक्टर में अगर हम सप्लाई दे दिए, तो वो मैग्नेट के साथ क्या होगा, वो लिंकेज फ्लक्स बनाएगा। ये जैसे देंगे तो ये जो कोर जो है इसे यहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ, वाइंडिंग से क्या करेगा, फ्लक्स बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये कह दिया ना, एक्साइटिंग करंट कर दिया तुम, जब मान लो 2 एम्पियर दे दिए हैं, तो ये क्या किया, फ्लक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 100 दिए हैं, फ्लक्स का क्या होता है यूनिट, वेबर, वही लिख दिए हैं वेबर, ठीक है। इसमें जो है यहाँ से समझो, अब जब इसको हम मैग्नेटिक सर्किट में चेंज करेंगे, तो ये जो वोल्टेज, जो ये जो ईएमएफ जो है ये चेंज हो जाएगा एफ में, रिलक्टेंस में, ठीक है। ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो गया, जिसे ईएमएफ कहेंगे एन आई, इसका रिलक्टेंस हो जाएगा। तो इसका देखो इस पॉइंट से 1, 2, 3, 4 फिर 1, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ से आ गया, तो वही लिखा रिलक्टेंस एस 1, 2, 3, 4 क्या 1 तक आ गया। इसके बाद आराम से एम एफ बराबर क्या होता है, एन आई एम्पियर टर्न्स, एम्पियर नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, आई करंट हो गया एम्पियर, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है लगा दो, जिस तरह केवीएल लगाते हो ना, इसमें इस तरह केवीएल लगा दो। जब इसमें केवीएल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से माइनस है, यहाँ प्लस है, इसको क्या प्लस माइनस, प्लस फाइ, यहाँ फाइ काम करेगा। उसमें जो करंट दौड़ता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसमें क्या करेगा, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स दौड़ेगा। तो फ्लक्स हो गया फाइ नोट, माने है ना फाइ नोट, और रिलक्टेंस एस 1, 1, 2, 3, 4 फिर कहाँ आएगा, 1A पर आएगा, ठीक है। कहाँ पे देखो, 1 से स्टार्ट करेगा, 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा, कहाँ जाएगा 4 जाएगा, 4 से कहाँ आएगा, 1 आएगा, आ गया ना। तो वही लिखे हैं, वो आ जाएगा कहाँ से, रिलक्टेंस एस 1, 2, 3, 4 फिर 1 आ जाएगा। आई एफ जो गया ही, ये नंबर ऑफ टर्न्स एम एफ, या क्या हो जाएगा, वोल्टेज एफ, ठीक है। तो एफ बराबर फाई आ गया, फाई यहाँ काम कर रहा है करंट का, ये जो कर रहा है वो रिलक्टेंस हो गया, ये जो हो जाएगा एफ एम एम एफ हो जाएगा। एम एम एफ का मतलब हुआ मैग्नेटो मोटिव फोर्स या ड्राइविंग फोर्स, उसी को बोलते हैं। तो आर बराबर हम लोग पढ़े थे ना, रो एल अपॉन एरिया, तो R का उल्टा यहाँ पे रिलक्टेंस का काम कर रहा है, कौन, S यहाँ रिलक्टेंस का काम कर रहा है। फिर L रो कांस्टेंट है, रो मेरा यहाँ पे रो है, रो L क्या काम करेगा, ये वहाँ पे हम करते थे रेसिस्टिविटी का काम इलेक्ट्रिकल में, यहाँ पे रिलक्टिविटी का काम करेगा। L जो हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, वहाँ पे हम लेते थे सर्किट का जो आता था रेजिस्टेंस में लेंथ, उसका रेजिस्टेंस का लेंथ लेते थे, यहाँ लेंगे मीन लेंथ ऑफ कोर। ये जो कोर था ना, ये कोरन लिए थे, ये कोर का जो मीन लेंथ होगा उसको लेंगे हम, ठीक है। क्या लेंगे, एल, और ये जो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा का, ठीक है। अब इतना हो गया, आप देखिए कंपेरिजन इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का। तो सबसे पहले ड्राइविंग फोर्स एम एम एफ बोले थे, ठीक है।
तो एम ड्राइविंग फोर्स का क्या कहता है, ड्राइविंग फोर्स इलेक्ट्रिकल में हो गया EMF, वी इक्वल टू आई आर जे ओम्स लॉ से, और ये मैग्नेटिक में हो जाएगा MMF, एफ इक्वल टू एन आई टर्न्स, आई इक्वल टू करेंट, एफ एफ सी आर डिनोट करें MMF को। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में हो जाएगा करंट रिस्पॉन्स करता है कौन, करंट, और मैग्नेटिक में फ्लक्स जिसका यूनिट क्या होता है, वेबर। अगर इम्पीडेंस का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आर जो होता है रेजिस्टेंस क्या काम करता है, इम्पीडेंस का, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस काम करेगा किसका, रिलक्टेंस काम करेगा रेजिस्टेंस का। एडमिटेंस का बात करेंगे तो एडमिटेंस का काम करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसका, कंडक्टेंस, कौन, कंडक्टेंस, जिसे जी बराबर 1/R, जी हो गया कंडक्टेंस का डिनोटेड पॉइंट, और 1/R रेजिस्टेंस यूनिट होता है साइमन, इसमें काम करेगा कौन, परमिनेंस, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखेंगे तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेसिस्टिविटी से ओम मीटर भी बोलते हैं यूनिट होता है, और MMF मैग्नेटिक सर्किट में क्या हो जाएगा, रिलक्टिविटी, क्या, रिलक्टिविटी, जैसे एम्पियर टर्न्स पर वेवर मीटर कहते हैं। कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, ठीक है, और रिलक्टिविटी का उल्टा परमेबिलिटी होता है, एयर का परमेबिलिटी 1 होता है। अगर डेंसिटी का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बराबर करंट अपॉन एरिया, लेकिन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी होता है, फ्लक्स डेंसिटी फाइ अपॉन एरिया, वेवर पर मीटर स्क्वायर से टेस्ला भी कहते हैं। फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या आ जाता है, टेस्ला। अगर इंटेंसिटी का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट का, और मैग्नेटिक सर्किट का हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम H से डिनोटेड करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है MMF अपॉन L। MMF का क्या बताए थे, एन आई नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट अपॉन L, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर टर्न्स पर मीटर। उसके बाद लॉ आता है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या लगाते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पे जे जो है करंट डेंसिटी है, रो जो है कंडक्टिविटी है, ई क्या है EMF है, और इसमें जो है हॉपकिंस लॉ लगाते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, तो बी म्यू नोट एच, ठीक है। अब ड्रॉप का बात करेंगे तो उसमें होता है इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू जो ड्रॉप होता है वी इक्वल टू आई आर, मतलब पोटेंशियल वोल्टेज, पोटेंशियल वोल्टेज ई इक्वल टू आई आर है, इसमें जो ड्रॉप होगा वो MMF होगा, तो MMF जिसमें फाइ जो होता है इसका, जिससे करंट इसमें सर्किट में करंट आई फ्लो करता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में फाइ फ्लो करता है, जिसमें ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में से आर रेजिस्टेंस रहता है, इसमें जो है मैग्नेटिक सर्किट में जो है रिलक्टेंस रहता है, इसे एस से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। अब KCL KVL का तो सेम कंडीशन है KCL KVL के लिए, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा KVL का लगा रहे हैं, नीचे KCL का है, ठीक है। तो KVL क्या होता है, ड्रॉप और राइज जो होता है इक्वल टू जीरो, तो इसमें भी सेम होता है, ड्रॉप और राइज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ ड्रॉप प्लस समेशन ऑफ राइज इक्वल टू वोल्टेज जीरो, इसमें भी वही है। यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैग्नेटिकल सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, जो MMF ड्रॉप और राइज होगा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और KCL में इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो उसी तरह इसमें भी हो जाएगा इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, ठीक है। सीरीज का बात करेंगे तो सेम होगा सीरीज में इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जिस तरह R1 R2 बराबर R इक्वल R1 प्लस R2 होता है, उसी तरह इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस की जगह क्या होता है रिलक्टेंस होता है, तो इक्विवेलेंट रिलक्टेंस जो आएगा S1 प्लस S2 आएगा। पैरेलल के कंडीशन में भी सेम होगा, 1/R इक्वल आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2, इसमें भी अगर मैग्नेटिक सर्किट में निकालेंगे अगर रिलक्टेंस इक्वल टू 1/ इक्विवेलेंट रिलक्टेंस अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम और बात करेंगे। इतना आप लोग मशीन के बारे में बेसिक ध्यान में रखिएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिर आए क्लास।